तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सो सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में तीन लॉज ऑफ मोशंस पब्लिश किए थे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सो उसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स अपनी इनिशियल स्थिति में रहना पसंद करते हैं। सो उनकी इनिशियल स्थिति दो प्रकार की होती है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इन द स्टेट ऑफ मोशन। सो वस्तुओं की टेंडेंसी होती है इनिशियल पोजिशन पर रहने की, उस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज हमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, तो वो बॉल खुद से तो मूव नहीं होगा, अगर हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया या फिर उसको पुश किया या फिर पुल किया तो वो बॉल मूव होगा, उसकी टेंडेंसी है सेम पोजिशन में रहने की। हम लोग डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, दैट इज सीलिंग फैन। अगर सीलिंग फैन को बंद किया हमने रोटेट होते हुए, सीलिंग फैन को बंद किया तो वो झट से बंद नहीं होगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है बंद होने के लिए। सो वो इनर्शिया रहता है उसका। हम लोग अगर सपोज बस में खड़े हैं, तो बस में अगर ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक अप्लाई किया तो हम लोग को जर्क लगता है, तो उसको भी इनर्शिया ही कहते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।